जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट था, बहुत बहुत सारी कंट्रीज का जो डेवलपमेंट था, वो क्या हो गया था उस वॉर में, क्या हो गया था, इन्वॉल्व हो गए थे, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर हुआ था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। आपका सिंपली ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अब लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू मे हैव हर्ड अबाउट वॉर्स, सीन फिल्म्स अबाउट वॉर्स, एंड रेड अबाउट वॉर्स इन द न्यूज़पेपर्स। इन ओल्डन डेज व्हेन टू कंट्रीज वेज्ड वॉर, देयर आर्मीज कन्फ्रंटेड ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड। देयर वॉरियर्स, मोस्टली मैन, रोड हॉर्सेस एंड फॉट ईच अदर विथ रो बोज एंड एरोज, स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, लेंसेस एंड अदर सच अ वेपन। द विक्टोरियस आर्मी वुड लूट एंड प्रिविलेज द विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ द डिफीटेड कंट्री, कैरिंग अवे एंड एनस्लेविंग द वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने वॉर के बारे में, या फिर बहुत सारी वॉर मीन्स लड़ाइयों के बारे में, युद्ध के बारे में, ठीक है, आपने क्या है बहुत सारी पिक्चर्स में देखे होंगे, या फिर आपने न्यूज़पेपर में ये चीज़ सुनी होगी। लेकिन पुराने टाइम पे जब कोई दो कंट्रीज जो थी वो वॉर करती थी, तो उनकी आर्मीज जो थी, ठीक है, उनकी आर्मीज क्या करती थी, एक दूसरे को कन्फ्रंट करती थी, एक दूसरे को सामना करती थी बैटल में। उनके जो वॉरियर्स होते थे, ज़्यादातर मैन हुआ करते थे, वो हॉर्सेस को राइड करते थे, रोड करते थे, और एक दूसरे से लड़ते थे विथ बोस एंड एरोस। ठीक है, बोस, एरोस, स्वॉर्ड्स, इन सभी से क्या करते थे, लड़ा करते थे। अब देखिए, और इसके बाद क्या होता था, लड़ते थे, और जो भी आर्मी, ठीक है, जो भी साइड की जो आर्मी रहती थी वो जीतती थी, वो उस जगह को क्या करती थी, पूरा लूट लेती थी, और वहाँ के जो विलेजेस रहते थे उनको डिस्ट्रॉय, उनको लूट लेती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी, और वहाँ के जो जो औरतें और बच्चे रहते थे उनको अपने साथ में ले जाती थी स्लेव बनाकर। ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स न्यू वेपन्स वेयर यूज इन बैटल, सच एज गन्स, कैनन्स एंड गन पाउडर्स, बट द वे वॉर वॉज वेज चेंज ड्रास्टिकली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। कैनन्स दैट कुड रेन डेडली बॉम्ब्स 20 किलोमीटर अवे, ऑटोमेटिक मशीन गन, सबमरीन्स एंड ट्रूप ट्रांसपोर्ट बाय व्हीकल्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, द नेचर ऑफ वॉर, नॉट जस्ट दैट, वेयर अर्लियर टू कंट्रीज फेस्ड ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड, द 20th सेंचुरी विटनेस्ड वर्ल्ड वॉर्स इन विच लेक्स ऑफ सिविलियन पीपल वेयर किल्ड एंड काउंटलेस वेयर क्रिपल्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुगल टाइम्स में बहुत सारे जो न्यू वेपन्स जो थे वो उस वक्त पे आए थे बैटल लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, जैसे कि गन्स हो गए, कैनन्स हो गए, गन पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें आई थी नहीं, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो बहुत सारी जो मीन्स जो बहुत सारे जो वेपन्स थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। जैसे कि कोई भी जो कैनन है वो 20 किलोमीटर अवे, ऑटोमेटिक 20 किलोमीटर अवे तक क्या करता था, शूट कर सकता था, जा सकता था, धमाका कर सकता था, वहां पर बॉम्ब गिरा सकता था। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन गन्स आ गए, सबमरीन्स आई, इस तरीके से क्या हो गया, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया उनके व्हीकल्स में, और रेल ट्रांसपोर्ट भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने लगा। रेल ट्रांसफॉर्म्ड द नेचर ऑफ वॉर। ठीक है, सबमरीन्स हो गए, और सबमरीन्स, व्हीकल्स, रेल ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, जो वॉर चल रहा था उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले के टाइम के जो वॉर्स होते थे वो क्या है, आपके घोड़े पर आपके एरो बो के साथ में हुआ करते थे, और मशीन गन्स और इन सभी चीज़ों का नया इन्वेंशन आने के बाद में, रेल का और व्हीकल्स का इन्वेंशन आने के बाद में, लोग क्या करने लगे, उसको घोड़े को रिप्लेस करके वे अपने व्हीकल्स में लड़ाइयाँ करने लगे। ठीक है, सम बेसिक फैक्ट। कंट्रीज विच फोट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था। द जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर वेर ऑन वन साइड, वाइल ब्रिटेन, फ्रांस, द रशियन एम्पायर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेर ऑन द अदर। देखिए यहाँ पर क्या है, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ये एक तरफ था, वहीं दूसरी तरफ के जो लोग थे वो थे आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रशियन एम्पायर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो थे वो एक अलग साइड दूसरे तरफ थे। ठीक है, कब वॉर स्टार्ट हुआ,
तो अगस्त 1914 में आपका वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था नवंबर 1918 में। कितने सारे लोग इस वॉर से बहुत कितने सारे लोग वॉर से अफेक्ट हुए थे, तो ये आपका चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये इतने सारे जो लोग थे अलग अलग कंट्रीज के, नंबर ऑफ सोल्जर्स जो थे, जितने 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 लोगों की डेथ हुई थी, कितने वाउंडेड हो गए थे, मीन्स कितनों को सिर्फ चोट लगी थी, और बहुत सारे जो थे या तो वो प्रिजनर थे या तो फिर वो मिसिंग थे। तो ये उनका टेबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू वी कॉल इट अ वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्यों हम लोग वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। ऑल यूरोपियन कंट्रीज बेयरिंग अ फ्यू लाइक स्विट्जरलैंड फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद अमेरिका ज्वाइनिंग इन 1917, बट द इम्पैक्ट वॉज फेल्ट दैट फेल्ट नॉट जस्ट अक्रॉस दिस टू कॉन्टिनेंट्स बट अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द एंटायर वर्ल्ड। दिस वॉज बिकॉज द यूरोपियन कंट्रीज डिप्लॉयड द पीपल एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉलोनीज इन ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑन ऑल बैटल फ्रंट्स। फॉर एग्जाम्पल, लैक्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉट इन द ब्रिटिश आर्मी, आइडेंटिफाई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड अदर कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ यूरोप। टूडे ऑल दिस कंट्रीज आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एंड हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट्स आर रन बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड और हु आर इलेक्टेड इन सम सेम सम वे और द अदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गए, वो सभी कोई सभी ने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था और अमेरिका ने 1917 में वॉर को ज्वाइन किया था। लेकिन जो इम्पैक्ट था, ठीक है, जो इम्पैक्ट था वो ना सिर्फ इस टू कॉन्टिनेंट्स पे ना सिर्फ इस टू कॉन्टिनेंट्स पे था, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता था। जैसे कि क्यों कैसा है, कैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, तो ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी, जैसे कि ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी इंडिया में भी बनाई थी, ठीक है, जो भी नेशन को, ठीक है, जो भी कंट्री को उन्होंने क्या किया करके रखा था, कैप्चर करके रखा था, तो वो वहां के भी सोल्जर्स को क्या करते थे, लेके आते थे। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को कैप्चर करके रखा था, तो वो क्या करता था, वॉर पे इंडियन सोल्जर्स को भी इंक्लूड करता था, जिसकी वजह से सभी लोग जो जो कि यूरोपियन कंट्री से नहीं भी हैं, तो तब भी क्या हो रहे थे, वॉर पे किसी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे थे, जिसके कारण से पूरा अफेक्ट जो है वो पूरे हमारे वर्ल्ड में देखने को मिला। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, आपका वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। इसमें देखिए, अब अभी फिलहाल जो कंट्रीज हैं उनमें से सारी कंट्रीज क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो गई हैं और सभी के पास में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैप दिया है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। ये आपका जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर ये बल्गेरिया, सर्बिया, ब्लैक सी, ये आपका ये रशिया है, ठीक है। ये इस तरीके से ये आपका पूरा एक छोटा सा मैप दिया है यूरोप का, जब 1914 के टाइम का मैप आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो है वो कैसे शुरू हुआ। अ वेरी माइनर इंसिडेंट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ अ वॉर। ऑस्ट्रिया हंगरी वॉन्टेड टू एनेक्स इट्स स्मॉल नेबर सर्बिया। दे एंगर्ड द नेशनलिस्टिक सर्बियन पीपल। दे वॉन्टेड टू टीच देयर बिगर नेबर अ लेसन एज अ वार्निंग। वन हाईली पेट्रियोटिक सर्बियन सिटीजन एसिनेटेड द आर्च ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ एट अ प्लेस कॉल्ड सार्जीवो इन जून 1914। ऑस्ट्रिया लॉन्च एन अटैक ऑन सर्बिया टू एवेंज द मर्डर। रशिया केम टू द एड ऑफ सर्बिया वाइल जर्मनी साइडेड विद ऑस्ट्रियन इन द एंसुइंग बैटल। सून फ्रांस, ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज फाउंड देमसेल्व्स ड्रॉन इन टू द वॉर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कि बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से ये वॉर जो है वो हुआ। ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे वो चाहते थे कि उनके जो नेबर हैं, ठीक है, उनका जो नेबर है सर्बिया, उनको वो क्या करें, उनको एनेक्स करे, उनको एंगर करे, ठीक है, सर्बिया। तो वो उन्होंने क्या किया, एंगर किए नेशनलिस्टिक ठीक है, उनको एंगर करना चाहते थे, उनको एनेक्स करना चाहते थे, उनको परेशान करना चाहते थे, या बोल सकते हैं उनको एक
अच्छा सबक सिखाना चाहते थे, ठीक है, उनको एक दे वांटेड टू टीच देयर नेबर अ लेसन एज अ वार्निंग, ठीक है, उनको वो सबक सिखाना चाहते थे। देखिए फिर से बता रही हूँ, बहुत ही माइनर सा इंसिडेंट था इसमें। जो ऑस्ट्रिया और हंगरी थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो अपने अपने जो स्मॉल नेबर है सर्बिया को, उसको हमेशा क्या करते थे, परेशान करते थे, जिसके वजह से जो सर्बियन पीपल है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक सर्बियन पीपल, और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो हम ऑस्ट्रिया और हंगरी को क्या करना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, ठीक है। तो उनमें से जो एक हाईली पेट्रियोटिक सर्बियन सिटीजन था, उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी में जो एक प्लेस है जिसका नाम यहाँ पर आपको दिया है सार्जीवो, ठीक है, सार्जीवो, वहाँ के जो आर्च ड्यूक थे और उनकी जो वाइफ थी, आर्च ड्यूक थे मीन्स जो राजा थे और उनकी जो वाइफ थी ऑस्ट्रिया की, ठीक है, आर्च ड्यूक थे ऑस्ट्रिया की और उनकी वाइफ को उस सिटीजन ने, उस सर्बियन सिटीजन ने मार दिया सर्जीवो में जून 1914 को, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया के खिलाफ में वॉर जो है वो मीन्स अटैक कर दिया, ठीक है, सर्बिया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया, ताकि वो उस मर्डर का, अपने राजा और उनकी वाइफ के मर्डर का क्या कर सके, रिवेंज ले सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया सर्बिया को। तो जो सर्बिया के बचाव में रशिया भी आ गया, ठीक है, उसी तरीके से जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रिया के साइड चले गया, इस तरीके से एक 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 दो दो कंट्रीज जो थी वो एक साथ क्या हो गई, आते गई, और पूरी की पूरी पूरे के पूरा जो वर्ल्ड है वो इस वॉर पे इन्वॉल्व हो गया।